हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्टर हाइब्रिड बैच, राइट? हाइब्रिड बैच। अब जैसे बहुत से बच्चे हैं अभी अगर मुझे सुन रहे हैं, कॉन्सेप्टर के बच्चे ध्यान से सुन लें, फिर बाद में वो गुप्त मैसेजेस भेजते हैं, उनको लगता है कि स्पेशली उनके कान में कुछ बताया जाए। हम कॉन्सेप्टर हाइब्रिड बैच इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉन्सेप्टर हाइब्रिड बैच ध्यान से इसको सुनिए, इसमें क्या है और कैसे है यार समझिएगा। इसकी फीस भी कॉन्सेप्टर जो रेगुलर टू ईयर बैच है उससे कम है। तो ये बैच हम लॉन्च कर रहे हैं 80,000 फीस में, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है। तो कॉन्सेप्टर हमारा सबसे ट्रेडमार्क बैच है जिसको मैंने एस्टैब्लिश किया था इस बात को समझते हुए कि आपका दिमाग सीखता कैसे है और सीखने की परंपरा में जाता है। और जो भी कॉन्सेप्टर के बच्चों के वो उन्हें पता होगा कि उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है अब पहले की कंपैरिजन में बहुत बढ़ चुकी है। वो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं, न्यूज़पेपर से उसे जोड़ पाते हैं, अपनी राय रख पाते हैं। लेकिन हमें बहुत से ऐसे बच्चे जिनको 2023 में एग्जाम देना है, 2023 में एग्जाम देना है, उनके पास टाइम कम है। जैसे हमारे ये बच्चे आए, जैसे वो बच्ची जिसके हस्बैंड जो है वो पुलिस में है और उसके पास टाइम कम है, या ये बच्चा जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। तो मैंने जब इनकी बातें सुनी तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों नहीं हम दो लेयर एक साथ लेकर आ सकते हैं। आप जानते हैं कि हमने अपनी नई ऐप लॉन्च कर दी है ओजांग एडू, और उसमें हमारे पास ये सुविधा है। तो हम लॉन्च कर रहे हैं कॉन्सेप्टर हाइब्रिड बैच। हाइब्रिड बैच में यहां पर लेवल 1 और लेवल 2, ये फाउंडेशन से अलग है। आपको पता है कि हम कॉन्सेप्टर में दो लेवल में पढ़ाते हैं, ध्यान से इसको सुनिएगा और समझिएगा। जिसमें फाउंडेशन में जहां प्री कम मेंस एक साथ चलता है, तो उसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट बिगिनर होता है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि मेरे लिए प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में मुझे ओरिएंटेशन कैसे बनाना है, वो एक ही साथ जा पाता है। कॉन्सेप्टर बैच बनाया गया था अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाते, आप चीजों को सीखते कैसे। तो हम कॉन्सेप्टर में सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं कि चीजें कैसे बिहेव करती हैं, ठीक है, उनके पीछे फंडामेंटल क्या है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मेंस आता है। तो मेंस का ओरिएंटेशन अलग होता है। मेंस कहता है कि आप खुद को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब खुद को जो आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, आप किसी चीज पर इंटरडिसिप्लिनरी सोच कैसे पा रहे हैं। तो लेवल 1 और लेवल 2 इज नॉट अबाउट फाउंडेशन जो है, एक बैच होता है एक साल का कि प्री कम मेंस नहीं है। इट्स एज अ टू डिफरेंट लेवल एंड टू डिफरेंट अप्रोच। जहां पर मैंने लेवल 1 में कहानियों के माध्यम से, स्टोरी टेलिंग मेथड से, गजोधर के माध्यम से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का इनोवेशन किया है, वहीं लेवल 2 पे मेंस के साथ हम जा रहे हैं। तो जिनको 2023 कॉन्सेप्टर हमारा 2024 के लिए, जिनको टारगेट 2023 देना है, दे जस्ट गो टू द हाइब्रिड बैच और उनके लेवल 1 और लेवल 2 पैरेलली रन करेंगे। 1 ईयर बैच है। जिन बच्चों को 2023 में एग्जाम देना है उनके पास विकल्प होता है फाउंडेशन का। तो कॉन्सेप्टर हमारा एक ऐसा बैच है जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का बैच है। तो मेरे पास चॉइस थी कि मैं फाउंडेशन बैच चलाऊं, सभी चला रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहां क्या होती कि बच्चा समझ नहीं पाता कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इसको एडवांस अप्लाई कैसे करना है। कॉन्सेप्टर में हम इन दोनों को मर्ज ही नहीं करेंगे, नंबर ऑफ आवर्स डबल होंगे। तो कॉन्सेप्टर हाइब्रिड में लेकर आ रहा हूं।